हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ होकर पुनः जनता के बीच लौटे। हवन कर रहे हैं, हम लोग बहुत चिंता में हैं। हम लोग इस हवन के माध्यम से आह्वान करते हैं कि भाई जल्द से जल्द वह स्वस्थ हों। बिहार में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को भी कोरोना पॉजिटिव आया है, जिसके बाद से ही अब जो है पटना के दुर्गा आश्रम में देख सकते हैं किस तरीके से हवन हुआ रहा है और मंत्रों का उच्चारण किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्द ही स्वस्थ हों, इसकी कामना को लेकर ये जो है यहाँ पर हवन किया जा रहा है पटना के दुर्गा आश्रम में। और लगातार जिस तरीके से बिहार के कई कैबिनेट के जो मंत्री हैं उन्हें कोरोना पॉजिटिव हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर कोरोना के पॉजिटिव आने के बाद जो है स्वस्थ हों, जल्द से जल्द ठीक हों, इसकी कामना को लेकर ये कोरोना पॉजिटिव को लेकर यहाँ पर हवन किया गया है। हमारे साथ जेडीयू के नेता हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, देखिए कि इस तरीके से हवन किया जा रहा है। क्या कहेंगे सर जिस तरीके से मुख्यमंत्री को लेकर? पटना के ये से पूरा गांव है, गांव के लोग ये ऑर्गेनाइज किए हैं, हम लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। बिहार के मुखिया और हम सबके नेता माननीय नीतीश कुमार, जिनका परिवार पूरा बिहार है, आज कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। हम लोग इस हवन के माध्यम से आह्वान करते हैं कि भाई जल्द से जल्द वह स्वस्थ हों और ताकि बिहार के जो काम काज है जल्दी वो शुरू करें, साथ साथ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य, बिहार में तमाम जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, देश से यह कोरोना जो वायरस है जल्दी ख़त्म हो जाए, इसके लिए हम लोग हवन कर रहे हैं। देखिए साफ तौर से ये हवन इसलिए हो रहा है कि पूरे देश में महामारी जिस तरीके से फैल चुका है उसको इस मंत्र के माध्यम से है इस महामारी को दूर किया जा सकता है। ये मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं बाबा, यहाँ पर क्या कहेंगे जिस तरीके से महामारी फैल रहा है उसको लेकर आप लोग हवन कर रहे हैं? ये कहेंगे कि यही कि जो है कि सब लोग हम लोग ध्यान दें और महामारी से बचें, और भगवान से भी हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि यह महामारी को जल्द से जल्द यहाँ से ख़त्म करें, और लोग मास्क जरूर लगाएं, यही सावधानी बरतिएगा तो यही रास्ता है हम लोग के बचने का कि मसले ऊपर नहीं फैलेगा। सोशल डिस्टेंस और मास्क का पालन करें, जिस तरीके से लगातार जो है महामारी फैलता जा रहा है और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को भी कोरोना पॉजिटिव हुआ, क्या कहेंगे आप लोग? हवन कर रहे हैं, हम लोग बहुत चिंता में हैं, हमारा देश हमारा पूरा बिहार कोरोना से पीड़ित है। आज यहाँ तक पहुँचा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष भी पीड़ित हो गए हैं, और मंत्रिमंडल के लोग भी हैं, गठबंधन के लोग भी हैं, सारे जनता हैं, आप लोग भी हैं और मैं भी हूँ। तो मैं इससे त्राहिमाम पाने के लिए, निजात पाने के लिए अपने प्रकृति से उम्मीद रखते हुए ये हवन करते हैं, जग करते हैं कि इस हवन के लहर में सारे कोरोना भाग जाए और कोरोना का नेस्त नाबूद हो और हमारा देश स्वस्थ हो, हमारा मुखिया स्वस्थ हो, तभी बिहार आगे बढ़ेगा जो हमारे चिंता करने वाले हैं। बस इसी के लिए हम लोग हवन जग कर रहे हैं और हम लोग पूरे मुख्यमंत्री के लिए पूरे पूरे चिंतित हैं। देखिए साफ तौर से बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को कोरोना पॉजिटिव हुआ है और इसके लिए मंत्रों उच्चारण किया जा रहा है, मंत्र के उच्चारण के साथ जो है हवन किया जा रहा है। इस हवन के माध्यम से क्या कहेंगे? देखिए आप लोग देख सकते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो जनता के बीच बने रहते हैं हमेशा, वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तमाम मंत्रीगण कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्हीं के जनकल्याण मतलब उनके स्वास्थ्य के लिए, उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम लोग आज पूजा आराधना के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और भगवान से हम लोग ये आराधना करते हैं, पूजा करते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वस्थ होकर पुनः जनता के बीच लौटे और पुनः जनकल्याण की भावना से कार्य करें। तो देखिए साफ तौर से लोगों का यही कहना है, जहाँ यहाँ पर हवन हो रहा है और ये मंदिर पटना के दुर्गा आश्रम में है, विश्वेश्वरी महादेव इसे कहा जाता है, इस मंदिर से पूरा ब्रह्मस्थानी दुर्गा आश्रम गली है और दुर्गा आश्रम में जो है तमाम जो मंत्रों उच्चारण के साथ ये हवन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री की जो स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। पूरा मंत्र जो है उच्चारण यहाँ पर हुआ और उसके बाद जो है हवन हो रही है, फिर उसके बाद आरती होगी, आरती हो रही है पूरी तरीके से। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जन कल्याण के लिए और पूरे देश से इस महामारी को भगाना है, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम नेताओं के लिए यह हवन किया जा रहा है और ख़ास तौर पर बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जल्द से जल्द स्वस्थ हों, इसकी कामना की जा रही है कि फिर से वो जनता के बीच आएँ और लोगों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की जाए। ये देखिए साफ तौर से देख सकते हैं यहाँ पर मंदिर है जो दुर्गा आश्रम है, उस मंदिर में ये एक प्रांगण में किया जा रहा है और आपने साफ तौर से सुना कि किस तरीके से लोगों का यही कहना है कि जल्द से जल्द बिहार के मुखिया नीतीश कुमार स्वस्थ हों, क्योंकि कल ही उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया है और उसके बाद से ही पूरे बिहार में जो है लोगों की
यही कामना है बिहार के लोगों की कि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के मुखिया स्वस्थ हों और फिर से वो जनता के बीच आएँ। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहें 10D न्यूज़ के साथ और देखते रहें 10D। हैप्पी क्रिसमस, नव वर्ष का शुभकामना देता हूँ। बालवाड़ी केंद्र द्वारा गरीब बच्चा महादलित टोला में शिक्षा मुफ्त देने का काम करता हूँ। स्कूलों से जो वंचित बच्चे हैं, जो स्कूल से नहीं जुड़ा है, उनको बालवाड़ी केंद्र खोल करके उनको सिखाने का काम करते हैं। और हमारी जहाँ तक बालवाड़ी देशवासियों के लिए बहुत बहुत शुभकामना है, जो बालवाड़ी केंद्र में लोगों ने मदद पहुँचाने का काम कर रहे हैं और हम समाज के बीच में जा करके शिक्षा के प्रति उजागर काम कर रहे हैं। बंटी ज्वेलर्स एंड ब्रदर्स, अनिशाबाद अपोजिट लाल मंदिर की तरफ से मैरी क्रिसमस और नए साल की बधाई। और नए साल में हमारे यहाँ हर एक खरीद पे कुछ ना कुछ उपहार आप निश्चित पाएँ। प्लीज़ कम।